उत्तराखंड विधानसभा में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी और उनके सभी पात्र आश्रितों को राजकीय सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण देने वाला विधेयक संशोधन के साथ सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इस बिल के पास होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का बड़ा योगदान है। आंदोलनकारियों की सुविधा पेंशन बढ़ाने से लेकर हमने आरक्षण देने का काम किया है। आपको बताने के राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को इस बिल के पास होने का लंबे समय से इंतजार था। इस बिल के पास होने के बाद राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम इस बिल के लिए पक्ष विपक्ष दोनों का धन्यवाद करते हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड के गठन में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा योगदान है उनके संघर्षों से और हमारे जो जिनका बलिदान हुआ इस राज्य को बनाने में बड़े बड़े आंदोलन हुए। मैं स्वयं चूँकि जब मैं छोटा था मैंने स्वयं इस आंदोलन में भाग लिया है। मैंने देखा है खटीमा का आंदोलन, मसूरी के आंदोलन की हम सब हमेशा स्मरण में हमारे रहता है। मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हम भूले नहीं हैं। ऐसे समय में जहाँ मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया हमारी सरकार ने, तब से लेकर आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का मामला हो, अन्य सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो, उनके आश्रितों को पेंशन देने की बात हो, उसमें वृद्धि की बात हो, वो सब काम किए। और लंबे समय से ये आंदोलनकारियों का जो आरक्षण था वो आरक्षण भी हमने देने का संकल्प लिया था और गैरसैंण में हमारी मंत्रिपरिषद ने इसको सर्वसम्मति से ये निर्णय किया था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों का 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है उसको हम देंगे, उसको हम जारी रखेंगे। लेकिन बीच में कुछ तकनीकी उसमें और विनिमिताएँ रह गई थी, उन सबको दूर करते हुए प्रवर समिति का गठन किया गया था। प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे उस प्रवर समिति के अध्यक्ष थे और उस समिति ने काम किया, समिति ने जो रिपोर्ट दी और आज सदन से उसको पारित कर दिया गया। 10% जो क्षैतिज आरक्षण है वह भी सर्वसम्मति से आज पारित हो गया और आंदोलनकारियों को आरक्षण मिलना पड़ा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी पिछले 11 वर्षों से अपने इस 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं और इस प्रकार 2015 में भी आपने देखा ये पास हुआ था और आज पुनः सरकार ने जिस प्रकार से इसमें प्रयास किया, प्रवर समिति की रिपोर्ट आई, शासन प्रशासन और तमाम उन राज्य आंदोलनकारियों के संघर्षों को मैं ये मानता हूँ कि एक कदम हम लोग आगे बढ़ गए हैं और लगातार जो हम सकारात्मक सोच के साथ इसमें संघर्ष कर रहे थे, मुझे लगता है जिस दिन ये इसमें निकल के आज राजभवन की मोहर लग के आ जाएगी, पहले तो सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष का मैं धन्यवाद देता हूँ और उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, उसमें राज्य आंदोलनकारियों को भी बधाई देता हूँ। जिस दिन इसमें राजभवन की मोहर लग जाएगी उस दिन हम निश्चित रूप में दिवाली के तौर पे आप सबके सामने देखेंगे और सरकार का जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्वागत किया। ऐतिहासिक दिन है, हमने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। जब सन 2015 में आंदोलन का चेयरमैन था जी, मुख्यमंत्री थे, तब हमने गंभीर प्रयास किए थे और 2015 में हरिद्वार के छुटियाना में कैबिनेट की बैठक हुई थी और हरीश रावत जी के अध्यक्षता में से पास किया गया। 2016 में जब विधानसभा में से रावत जी के मुख्यमंत्री रहते तो सर्वसम्मति से पास किया। भाजपा गवर्नर की मोहर लगनी थी तो इससे पीछे हट जाती, वो समझते थे कि इससे वोटों की खेती पैदा नहीं कर सकता। 7 साल उन्होंने गवर्नर के इसमें मोहर लगाई, मैं समझता हूँ 7 साल 50 से ज़्यादा प्रदर्शन होने की गिरफ्तारियाँ दी, कितने सारे अरेस्ट हुए, उसके बाद आज ये यहाँ पर पास हुआ।